एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस पर खूब हमला बोला और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए गडकरी ने कहा, जब कमलनाथ सड़क मंत्री थे तब सड़कों का हाल बेहाल था। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खूब गरजे। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जब कमलनाथ सड़क परिवहन मंत्री थे तब सड़क की हालत खराब थी, पता नहीं चलता था कि हम सड़क पर चल रहे हैं या गड्ढे में चल रहे हैं। कृषि विकास के दर में जो पुरस्कार दिया वो पहला पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार को मिला। मध्य प्रदेश के रोड कैसे थे आप याद करिए, पता नहीं चलता था कि हम रोड पे चल रहे कि गड्ढे पे चल रहे। कमलनाथ जी मंत्री थे तब रोड कैसे थे और आज कैसे रोड है ये आप ही बताइए। अच्छे रोड बने हैं, अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों का भला हुआ है, अनाज मुफ्त में मिला है। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।